ईरान ने कौन सी मिसाइलों और ड्रोन से किया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला। दोस्तों आपको बता दें, ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं बलूचिस्तान के साथ 1000 किलोमीटर की सीमा बांटते हैं। ईरान ने जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। हमला पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के कोहे सब्ज इलाके में किया गया। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के पास अलग अलग रेंज की दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये बात कहीं से सामने नहीं आ पा रही है कि ईरान ने कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की, लेकिन जिस सटीकता का दावा किया जा रहा है वो क्षमता ईरान की 3 मिसाइलों के पास है। ये मिसाइलें हेजपुल, इमाद और गर्द है। हेजपुल, गर्द 110 और इमाद तीनों ही मिडिज रेंज की ब्लिस्ट मिसाइलें हैं, यानी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच तीनों को इनकी सटीकता के लिए जाना जाता है। इनके अलावा ईरान ने शाहिद 107 ड्रोन का हम इस्तेमाल किया। इस ड्रोन की रेंज भी 1000 किलोमीटर है, यानी इतनी दूर तक जाकर यह हमला कर सकता है। यह ईरान द्वारा बनाई गई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का है। इसका सबसे पहला प्रदर्शन 2019 में किया गया था। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके ऊपर 600 से 700 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लग सकता है। इसकी सीपी 5 मीटर है, यानी टारगेट के 5 मीटर इधर उधर भी गिरा तो तभी टारगेट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यह मिसाइल अब आसमान से टारगेट की तरफ आता है तब इसकी गति 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। यह मिसाइल असल में पुरानी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फ़िकार का अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी रेंज उस समय 700 किलोमीटर थी। इस मिसाइल को ट्रैक माउंट लॉन्चर से दागा जाता है। इमाद मिसाइल लिक्स प्योर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका व्यास 1.25 मीटर है। इसमें एक ही वारहेड लगता है जिसका वजन 750 किलोग्राम होता है। इसकी सही पे 10 मीटर है, यानी टारगेट के 5-10 मीटर इधर उधर बिगड़ा तो पूरी तरीके से टारगेट खत्म हो जाएगा। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल की खासियत भी है, यानी जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा बदली जा सकती है। इसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। ये देखने में शहाब 3 मिसाइल की तरह दिखती है। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। आज तक की रिपोर्ट।